वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल की अब सक्सेस। आज के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे का कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साइकिल को 1120 रुपये की बेचने पर 20% की हानि होती है, उसी को कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ प्राप्त हो। ठीक, पहले इसका सेलिंग प्राइस कितना है? SP 1120 रुपया है, 1120 रुपया है। हानि कितना हो रहा है? लॉस परसेंट कितना? 20%। और फिर उसी को कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो? कितना लाभ खोज रहा है? 40% लाभ पाने के लिए उसको कितना में बेचा जाए? अगर वो 120 रुपया में बेच रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है, तो उसको 40% गेन प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचा जाए साइकिल को? सबसे पहले हम सिंपल सा मेथड के फर्स्ट मेथड के अनुसार चलेंगे। कितना है SP? 1120, 1120 इंटू, पहले लॉस कितना हुआ? 20% लॉस हुआ, यानी कि कितना लॉस? 20% 100/80, 100/80 मानी 100 में से 20% लॉस हो रहा है, तो 100/80 हो गया। इसको काटेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा 140 बार में, यानी 1400 रुपया। इसका क्या हो गया? 1400 रुपया का एक्चुअली इसका 1400 रुपया कितना प्राइस था साइकिल का? क्या था कॉस्ट प्राइस? निकल गया 1400 रुपया का साइकिल था। तो उस जब वो 1120 1120 रुपये में बेचा, तो 20% का उसको लाभ, 20% का उसको हानि हुआ। यानी साइकिल था 1400 में, बेचा 1120 में, लॉस कितना था? 20% था, लॉस 20% था। तो अब इसको 1400 वाले साइकिल को कॉस्ट प्राइस 1400 था उसका, तो अब 40% गेन प्राप्त करने के लिए उसको कितना बेचेगा? तब इस पर गेन निकालेंगे हम, 1400 पे कॉस्ट प्राइस पे गेन निकलेगा। तो 1400 इंटू गेन कितना हो रहा है? 40%, तो 40/100, 14 चौके 56, 560, यानी कितना हो गया प्रॉफिट इसका? 560 रुपये प्रॉफिट। तो कितना में बेचेगा वो? प्रॉफिट ही कितना हुआ? गेन, गेन या प्रॉफिट 560 रुपया हुआ। तो वो कितना बेचेगा? तो SP इज इक्वल टू CP प्लस गेन। CP कॉस्ट प्राइस कितना था निकाल रहे थे? 1400 प्लस गेन 560, टोटल 1960 रुपया में बेचेगा। कितना में बेचेगा वो? जब साइकिल को 1960 रुपये में बेचेगा, तब उसको 40% का प्रॉफिट होगा। ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। अगर फर्स्ट मेथड नहीं समझ में आया तो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सबसे छोटा कि साइकिल कितना में बेचा? 1120 रुपये में। उसको कितना रुपया हानि हुआ? 20%, 20% की हानि हुई, यानी 100/80। हानि वाला जब भी लिखाएगा तो नीचे, और लाभ कितना प्राप्त करना है? 40% लाभ हो रहा है ना, यहाँ पे हानि हुआ तो 100 में से 20 घट गया, यहाँ पे हानि लाभ हो रहा है, 40% लाभ की बात बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ऐड होगा 40%, 40 140/100, 100 100 कट आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 8 8 का 8, 8 चौके 32, 140, 140 में 1400 गुना करेंगे तो 1960, 1960 रुपये में उसका क्या था? सेलिंग प्राइस 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 1960 रुपये में बेचेगा। अब इससे भी एक छोटा ट्रिक, नहीं समझ में आया अगर सेकंड ट्रिक भी नहीं आया तो थर्ड में समझिए। SP था 1120 गुने लाभ कितना? लाभ कितना हुआ? 40%, तो 140 बटा हानि कितना हुआ? 20%। तो घटाएंगे, हानि हुआ जब भी तो घटाएंगे 100 में से। अगर लाभ का बात करो तो 100 में जितना परसेंट लाभ है उसको जोड़ देते हैं, अगर हानि की बात करो तो 100 में से जितना परसेंट हानि है उसको घटा देंगे। ये 0 0 कट कैंसिल आउट, 8 8 चौके 32, 140 14, 1960 रुपया सेलिंग प्राइस।
यानी 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वो साइकिल को 1960 रुपये में बेचेगा। तीन मेथड से समझाए, कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। जल्दी से बनाने के लिए थर्ड मेथड तुरंत बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरुण अरुण ने एक समान अरुण ने एक समान 460 रुपये को बेचने पर 15% का लाभ कमाया तो 20% का लाभ कमाने के लिए बीस परसेंट का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, या बेचना पड़ेगा। ठीक है, अरे अरुण ने एक सामान को 460 रुपया को बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। 460 रुपये में बेचा तो 15% का लाभ कमाया, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा। चलिए, तो वही छोटा सा ट्रिक ट्रिक नंबर थर्ड, यहाँ जो मेथड थर्ड बनाया था उसी के अनुसार यहाँ पे जल्दी से बनाने के लिए अप्लाई करेंगे। 460 इंटू कितना है लाभ, 15%। जब भी लाभ बोला जा रहा था 115/100 गुने, फिर कितना है, फिर लाभ ही है। अगर हानि होता तो हम घटाते 20, तो 80/100 होता, लेकिन यहाँ पे लाभ का बात बोला जा रहा है तो 120/100। ठीक है, एक 120/100 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 100 होगा, 115, 100/115 होगा। 100/100 कैंसिल आउट, 115 को 23, 5, 23 × 115, 23 × 5 से काटेंगे, 5 × 23 = 46, 23 × 46 20 बार में। नेक्स्ट ये 24 बार में कट जाएगा, 24 × 120 और 23 × 15, 23 × 46 23 से वो कट जाएगा, 24 × 48 480 रुपया। कितना में बेचेगा वो, 480 रुपया में। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो 480 रुपया में बेचेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर में 100 और नीचे में 115 कैसे लिखा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कभी कभी। उसको इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। जब भी अगर हानि रहे तो हानि लिखेंगे हम नीचे में ही। हमने सेकंड ट्रिक वाला से बनाया, फर्स्ट में पहले ऊपर में 100 एक पहले SP लिखेंगे, इसके बाद में 100/80। अगर लाभ हो चाहे हानि रहो, अगर हानि रहे तो हम जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। अगर लाभ रहे हानि रहे तो अगर हानि अगर रहे तो हम घटाएंगे, अगर लाभ रहे तो हम जोड़ेंगे। बस इतना याद रखिएगा, वही किए हैं। अगर दोनों यहाँ पे दोनों में लाभ है तो दोनों में हम ऐड कर दिए हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी वस्तु को ₹56 में बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है
जितना वस्तु का क्रयमूल है, जितना वस्तु का क्रयमूल है, तो सॉरी, तो वस्तु का क्रयमूल क्या होगा? वस्तु का क्रयमूल क्या होगा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन दिया गया किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रयमूल है, तो वस्तु का क्रयमूल क्या होगा? इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक बताते हैं। 56 रुपया वस्तु का क्रय, 56 रुपये में बेच रहा है तो कितना उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रयमूल है। अगर मान लिया जाए छोटा सा एग्जाम्पल के लिए, हम कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हम 10 रुपये में बेचें, ठीक, 10 रुपये में बेचें, तो उसका उतना ही परसेंट का लाभ हो रहा है जितना इसका वस्तु का क्रयमूल है। तो मान ला 10 रुपये में हम लोग बेचें, हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को 10 रुपये में, उसका क्रयमूल है 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया क्रयमूल है, उसका जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? जितना क्रयमूल है उतना, यानी 5 रुपया क्रयमूल है तो 5% ही क्या हो रहा है उसका? लाभ हो रहा है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रयमूल है, तो वस्तु का क्रयमूल क्या होगा? सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टोराइज करेंगे इस अंक का, 56 का फैक्टोराइज करेंगे, और वो फैक्टोराइज हम इस प्रकार करेंगे कि गुणा करने पर, इस प्रकार से करेंगे कि जैसे 56 है तो गुणा करने पर अंक, यही अंक आ जाए, 56 आ जाए, और जब इसको घटाया जाए तो 10 आए। गुणा करने पर जितना हमारा, जितना में हम बेच रहे हैं उतना आए, और अगर उसी अंक को घटाएं फिर तो हमारा 10 आए, ठीक। तो हम 14 और 4 ले सकते हैं, क्योंकि 14 और 4 में जब गुणा करेंगे तो मेरा 56 आएगा, और अगर घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए यही ट्रिक है, फैक्टोराइज करने के लिए सबसे पहले किसी अंक को फैक्टोराइज करना होगा। फैक्टोराइज इस तरह से करना होगा कि दोनों को जब गुणा करें, फैक्टोराइज वाले अंक को गुणा करें तो उतना अंक आ जाए, और अगर उसको फिर से हम जब उसी अंक को घटाएं तो हमारा 10 आए। तो 14 और 4 4 आया, तो 14 और 4 में सबसे छोटा वाला संख्या कौन है? 4। तो बस इसके आगे एक 0 लगाना है, यही हमारा आंसर हो गया। 40, 40 रुपये का वो क्रयमूल, उसका क्या था? वस्तु का क्रयमूल था 40 रुपया, 40 रुपया वस्तु का क्रयमूल था, और 40% ही उस पर लाभ कमाया। तो 40% कितना होगा? 40% कितना हो जाएगा? 40 × 40 बाई 40 बाई 100, 10 × 40 × 4 × 16 रुपया होगा, यानी 16 रुपया लाभ कमाया। 40 रुपया का क्रयमूल था, 40 रुपया वस्तु का क्रयमूल था, और 16 रुपया लाभ कमाया, यानी कितना बेचा वो? 56 रुपया में। चेक हो गया यहाँ पे, चेक भी कर लिए कि 56 रुपया में बेचा, यानी 40 रुपया वस्तु का क्रयमूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार ने कोई सामान को 21 रुपये में बेचा, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचता है, बेचा, उसको बेचने पर, उसको बेचने पर उतना ही परसेंट का हानि होता है, उतना ही परसेंट का हानि होता है जितना का वो वस्तु था, जितना का वस्तु था। तो सामान का क्रयमूल क्या होगा? सामान या वस्तु का क्रयमूल क्या होगा? क्रयमूल क्या होगा, ठीक है। 21 रुपये में बेचा, तो 21 को हम फैक्टराइज करेंगे इस तरह से कि गुणा करें तो वो अंक आ जाए, 21 आ जाए, और सिर्फ घटाने पर नहीं, जोड़ने या घटाने पर,
गुणा करने पर वो अंक आ जाए, या जोड़ के लाएं या फिर घटा कर लाएं, 10 आना चाहिए। अगर 7 और 3 लेते हैं तो 7 या 21, अगर इसको 7 और 3 को गुणा करते हैं तो 21 आता है, घटाते हैं तो 4 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसलिए 7 और 3 मेरा राइट फैक्टराइज हुआ 21 का। 7 और 3 तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, 3 है, तो बस इसके आगे एक 0 लगाते हैं, बस यही मेरा आंसर रेडी तैयार हो गया, 30 आंसर आएगा। वस्तु का किरायमूल्य कितना था, 30 रुपया था, और जब उस 30 रुपया का 30 का 30% कितना होगा, 30/100, 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 30 3 90/1, 90/1 नहीं, 90/10, यानी जी 30 × 30/100, 1 0 1 0 कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 रुपया क्या हुआ, लॉस आया 9 रुपया, 21 रुपया का सामान था, नहीं 30 रुपया का सामान था, कॉस्ट प्राइस इसका कितना आया, कॉस्ट प्राइस 30 आया, 9 रुपया मेरा लॉस गया, तो घटाइए तो 21 रुपया आया, 21 रुपया बेचा वो, तब ना 9 रुपया लॉस हुआ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाइएगा, ट्रिक हुआ यही ट्रिक है, किसी अंक को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज इस प्रकार करना है कि वो फैक्टराइज वाले अंक को अगर गुना करें तो उतना आ जाए, और या जोड़ें या फिर घटाएं तो 10 आए, और दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे छोटा है, जिस जो छोटा अंक रहेगा उसके आगे एक शून्य लगा देना है, वही हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर अच्छा लगा वीडियो तो आगे शेयर भी करें।